वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, दिस इज डेटा सफिशिएंसी। अब देखिएगा, अगर फर्स्ट आंसर देना है तो अलोन स्टेटमेंट वन सफिशिएंट होनी चाहिए, दूसरे वाली सफिशिएंट ना हो। इफ स्टेटमेंट सेकंड सफिशिएंट है, फर्स्ट जो है ना हो, फर्स्ट सफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। आइदर दोनों में से कोई भी एक चलेगी, मीन्स वन भी सफिशिएंट है, टू भी सफिशिएंट है, कोई भी एक पिक कर सकते हैं आप। बोथ मतलब दोनों को यूज करके ही आंसर निकलेगा। एंड द लास्ट वन ई ऑप्शन, दैट इज दोनों ही आपके लिए टुगेदर नेसेसरी हैं। तो ठीक है, दोनों टुगेदर अगर नेसेसरी हैं तो वन भी यूज़ होगी, टू भी यूज़ होगी। तो यहाँ पे तो दोनों अगर नेसेसरी ना हो आंसर ना निकले। आप नाइदर भी इसको बोलते हो, दिस इज नाइदर ऑल्सो। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज राहुल बोर्न, राहुल कब जो है पैदा हुआ था। राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर यंगर टू हिज मदर, दैट मीन्स कि मदर की एज में से अगर 25 माइनस कर दें तो राहुल की एज जो मेरे पास आ जाएगी। राहुल्स ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964 इज 35 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। ठीक है बच्चों, 1964 में राहुल के ब्रदर की जो है एज मेरे पास होगी और वो 35 ईयर यंगर है, यानी ब्रदर की एज जो है और उसमें हम 35 ऐड कर देंगे तो मुझे मदर की एज मिलेगी। ब्रदर की एज 1964 से लेके टिल नाउ हम ईयर्स निकाल लेंगे, दैट मीन्स कि मदर की एज मुझे यहाँ से पता लग जाएगी और मैं एक फाइनल आंसर दे पाऊँगा। बट मुझे दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करनी पड़ी, तो यहाँ पे बोथ वाला आंसर जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई।